अब तो देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम में ही हो रहा है। तो जो टाइम में आप अगर देखें कि न्याय संहिता का नाम पे जो क्रिमिनल लॉ जो चेंज कर दिया, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा क्या किया। हम लोग समझ में नहीं सकते क्या है, किसी का पता नहीं है। आज FIR कैसे करेगा, कौन केस में FIR करना है, कौन किस को बोला है कि वो लोगों को भी 6 महीना जेल में डाल देंगे, ऐसा बात है 6 साल। तो एवरीबॉडी इज अफ्रेड। तो इमरजेंसी हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन फेमस किया तो पहले से चैरिटी पीना चाहिए। एंड मुंबई में आप लोगों को पता ज्यादा है how they have won this 48 votes. Such a so many areas. Otherwise, this time we were not able to come. I'm sure of it. This government may not continue also. It is not stable government. कैसे stable है? आप समझाओ मेरे को। क्या नीतीश जी से या चंद्रबाबू नायडू से? नहीं 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 प्लीज मेहरबानी करके हम किसी को खिलाफ में कुछ नहीं कहनी चाहती। ये बार में भी नहीं, खिलाफ में भी नहीं। दीदी इस बार खेला होगा क्या? खेला होगा क्या इस बार? खेला तो शुरू हो गया, चलते रहेगा। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस फेयर वेयर लड़ने के लिए हम तो CPM कांग्रेस को साथ एडजस्ट नहीं कर सकते है कि हम तो CPM का साथ लड़ाई करके हम पावर में आया। CPM का साथ हमारा रिश्ता नहीं है। CPM कांग्रेस BJP अगर बंगाल में एक साथ में काम करे तो हमारा लिए दिक्कत होता है। तीन पार्टी में एक अपने भी किया, लेकिन कांग्रेस ऑल इंडिया में हम उसको खिलाफ नहीं है, लेकिन बंगाल में उसको कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में हम लोग सब इकट्ठा हो गई है। सज्जन जिंदल जी भी उधर में 2 पावर का फैक्ट्री बना रहे हैं, और हमारा जो अंडाल एयरपोर्ट है उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सौरभ गांगुली इज ऑल्सो डूइंग, सो इट्स गुड फॉर बंगाल ऑल्सो एंड फॉर कंट्री ऑल्सो।